नमस्कार दोस्तों, टॉप गैलेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं अनूप सिंह आज आप सबके लिए रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कैलेंडर लेकर आया हूं। दोस्तों ये कैलेंडर जो हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोस्तों रेलवे हो, एसएससी या अन्य कोई भी एग्जाम हो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको कैलेंडर का ये क्वेश्चन करना है तो इस ट्रिक्स को आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों मैं इसका इतना ईजी मेथड से इस ट्रिक को बताऊंगा जिससे आप बहुत ईजिली समझ लेंगे और कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं, और मैं यहां पे आपको 2 सेकंड में करके दिखाऊंगा भी। दोस्तों आइए दोस्तों पहले इसका मेथड समझते हैं फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों देखिए मंथ का कोड पहले समझेंगे। मंथ का कोड यानी जनवरी का जो कोड है आपका 0 है, हमें याद करना पड़ेगा। दोस्तों फरवरी का कोड आपका 3 है, मार्च का कोड भी 3 है, अप्रैल का कोड आपका 6 है, मई का कोड आपका 1 है, जून का कोड आपका 4 है। दोस्तों ऐसे ही जुलाई का कोड 6 है, अगस्त का कोड 2 है, सितंबर का कोड 5 है, अक्टूबर का कोड 0 है, नवंबर का कोड 3 है और दिसंबर का कोड 5 है। दोस्तों हमें बहुत इजी मेथड से हमें याद कर, जैसे मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे दोस्तों हम इसका कोड भी याद कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 0331 46 25 035, ऐसे हम कैसे याद करेंगे दोस्तों 0331 46 25 035। दोस्तों अगर हम अब हम डे का कोड समझते हैं, यहाँ पे डे का कोड हमें कैसे याद करना पड़ेगा दोस्तों, जो संडे है यानी 0, संडे का कोड 0 है, मंडे का कोड 1 है, ट्यूसडे का कोड 2 है, वेडनेसडे का कोड 3 है, थर्सडे का कोड 4 है, फ्राइडे का कोड आपका 5 है और सैटरडे का कोड आपका 6 है। दोस्तों ऐसे हम कोड को याद कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके फार्मूला की तरफ चलते हैं। दोस्तों आइए दोस्तों अब चलते हैं, फार्मूला देखते हैं। दोस्तों डे अगर हमको निकालना है तो डे इज इक्वल टू डेट प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन 7 होता है। लीप ईयर कैसे निकलेगा दोस्तों, लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, जैसे 1994 अगर दिया हुआ है दोस्तों तो केवल 94 लेंगे, 94 को 4 से डिवाइड करेंगे, वो भी आपका एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, या 94 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आपका 23 होगा। सो लीप ईयर की जगह 23 पुट अप कर देंगे। दोस्तों ये मंथ का कोड है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा, 0331 46 25 035। दोस्तों अब आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है। 16 अगस्त 1994 दिया हुआ है, इसमें दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें हमें 16 अगस्त 1994 को कौन सा दिन पड़ा है ये हमें बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार और हम आपको मंथ का एक कोड को रिकॉल कराते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं 0331 46 25 035, ये आपका होता है मंथ का कोड। सो दोस्तों अगस्त का कोड आपका क्या हो जाएगा, 2 आपका अगस्त का कोड हो जाए, क्योंकि अगस्त 8वें नंबर पे है, सो 8वें नंबर पे क्या है, 2। सो अगस्त का कोड आपका दोस्तों 2 हो जाएगा। सो फार्मूला क्या कहता है डे हमको निकालने का, पहले हम क्या करते हैं डेट, फिर उसके बाद मंथ, फिर ईयर, फिर लीप ईयर अपॉन 7। सो पहले हम क्या करेंगे डेट लिखेंगे, डेट क्या था 16 आपका डेट है। अगस्त का कोड क्या होता है दोस्तों, अगस्त का कोड होता है 2। फिर दोस्तों हम ईयर लिखेंगे, ईयर यानी ईयर का केवल लास्ट 2 डिजिट यानी 94 लिखेंगे केवल, यानी 94 यहाँ पे हम लिख दिए दोस्तों। फिर उसके बाद हमको क्या निकालना है लीप ईयर, लीप ईयर का फार्मूला क्या होता है, जो लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर यानी 94 को हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो सो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है, एग्जैक्ट वैल्यू कितना होगा 23। सो 92 हो गया आपका, फिर आपका 2 आपका यहाँ पे रिमाइंडर हो गया, क्योंकि दोस्तों हमें पॉइंट में नहीं लिखना है इसलिए एग्जैक्ट वैल्यू यानी 23 यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। फिर अपान क्या करेंगे 7, जब दोस्तों इसको ऐड हम करेंगे 16 2 18 18 23 आपका 41 और 94 दोस्तों 135 हो गया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इसका रिमाइंडर आपका क्या आएगा 2, जो आपका ट्यूजडे का कोड होता है, मंगलवार का कोड आपका 2 होता है। सो दोस्तों 16 अगस्त 1994 को मंगलवार का दिन पड़ा था। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हो, 27 अक्टूबर 1992 को कौन सा दिन पड़ेगा ये हमें बताना है। दोस्तों फार्मूला हमें पहले ही पता है, हम सीधे डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। 27 अक्टूबर यानी डेट हम पहले लिखेंगे, 27 अक्टूबर का दोस्तों कोड होता है 0 92 1992, यानी जो ईयर होता है उसका हम लास्ट डिजिट लिखेंगे 92। फिर दोस्तों हमको लीप ईयर निकालना है, सो 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों इसका आएगा 23, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा दोस्तों 92 4 से, तो आपका 23 हो गया। फिर दोस्तों आपका 7 कर देंगे, 7 से यानी 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, जब इसको हम ऐड करेंगे 27 23 50 50 92 142 को दोस्तों हम 7 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों इसका रिमाइंडर 2 आएगा, जो इसका रिमाइंडर 2 होगा ये आपका कोड ट्यूजडे का होता है यानी
27 अक्टूबर 1992 को दिन मंगलवार पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन पड़ा था ये हमें बताना है दोस्तों। दोस्तों हमें फार्मूला पहले ही पता है, आइए दोस्तों अब सीधे सॉल्व करते हैं। 15 यानी डेट आपका 15, मंथ लिखेंगे, मंथ का कोड दोस्तों 2 होता है अगस्त का। दोस्तों 1947 यानी ये लास्ट 2 डिजिट लिखेंगे यानी 47 यहाँ पे कर देंगे दोस्तों। दोस्तों हमको लीप ईयर निकालना है तो 47 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में एग्जैक्ट यानी 44 होगा, 44 से डिवाइड यानी 3 रिमाइंडर होगा, क्योंकि रिमाइंडर से दोस्तों हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं करना, इसलिए हम 11 यहाँ लिखेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, जब इसको हम ऐड करेंगे 15, 2, 17, 17, 11, 28, 28, 47 आपका 75 होता है दोस्तों। फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो इसका रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, 5 इसका रिमाइंडर आएगा। सो दोस्तों 15 अगस्त 1947 यानी आजादी का दिन शुक्रवार को पड़ा था, यानी फ्राइडे को अपना देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, 26 जनवरी 2005 को कौन सा दिन पड़ा था। दोस्तों इस क्वेश्चन बस हमें 2005 को 1900 से माइनस कर देना है, 1900 से माइनस करेंगे दोस्तों तो यह आएगा 105, और सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो दोस्तों मैं हमने पिछले 3 क्वेश्चन में अप्लाई किया, उस सेम फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, कोई उसमें हम डिफरेंस नहीं करेंगे दोस्तों। दोस्तों डेट के लिए हम करेंगे 26 यानी जनवरी का कोड होता है आपका 0। सो दोस्तों हमने 2005 को 1900 से माइनस किया तो आप कितना हो गया, 105, यानी ईयर की जगह हम 105 लिखेंगे। दोस्तों आपका लीप ईयर निकालना है तो 105 को हम 4 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 21 बार में एग्जैक्ट डिवाइड होगा। सो दोस्तों इसको ओवरऑल हम 7 से डिवाइड करेंगे, सो दोस्तों टोटल ऐड करेंगे तो आपका 26 21 हो गया 47 47 5 52 5200 आपका हो गया 152, यानी 152 को हम 7 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा। सो दोस्तों 26 जनवरी 2005 को फ्राइडे का दिन पड़ा था, 26 जनवरी 2005 को शुक्रवार का दिन पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 11 सितंबर 2018 को कौन सा दिन पड़ेगा। पहले दोस्तों हम 2018 को 1900 से माइनस करेंगे दोस्तों, तो 1900 से जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये आपका 118 आएगा। उसके बाद हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो पिछले हमने 4 क्वेश्चन में किया। दोस्तों 11 पहले लिखेंगे क्योंकि 11 पहले डेट, फिर उसके बाद प्लस करेंगे सितंबर, सितंबर का कोड दोस्तों होता है 5, ईयर दोस्तों 118 यानी 118 आपका ईयर यहाँ पे लिख देंगे। 118 को जब 4 से जब डिवाइड करेंगे दोस्तों तो यह आएगा 29, यानी 29 आपका एग्जैक्ट डिवाइड होगा। जब ओवरऑल को जब ऐड करेंगे उसके बाद हम 7 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ओवरऑल जब हमने ऐड किया तो आपका यह आ गया 163 बटा 7। सो दोस्तों इसका रिमाइंडर होगा 2, यानी 11 सितंबर 2018 को ट्यूसडे यानी ट्यूसडे पड़ेगा, यानी मंगलवार का दिन 11 सितंबर 2018 को होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए जिससे इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।